हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। तो आज बहुत अच्छी धूप हुई है और सुबह से ही धूप हुई है, तो खाना हमने बना लिया। आज हमने बनाया है निमोना और चावल, मतलब वही पीस के मटर को निमोना चावल बनाया है। तो हम चल रहे हैं छत पे धूप लेने, क्योंकि बहुत ठंड नीचे है। हमने स्वेटर नहीं पहना है क्योंकि आज थोड़ी धूप है, तो हम चल रहे हैं धूप में। चलिए आप लोग भी धूप में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम छत पे ही हैं अभी तक, तो हम चल रहे हैं सारे कपड़े उतार ले रहे हैं, और जो गीला है वो डाल दिए हैं वहाँ पे। और सारे कपड़े मैंने उतार लिया है, यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे सोनम भी है हमारे संग। तो आज सारे कपड़े हम उतार के फिर चलते हैं नीचे। वो तो हम तो आज दोपहर से ही यहीं पे ही थे छत पे। तो फ्रेंड्स, आज हम कोई रेसिपी नहीं दिखाएंगे, आज हम शेयर कर रहे हैं कि जो स्टिक भी लगाते हैं तो वो स्टिक जानते ही हैं। तो आज हम भी कोई स्टिक दे रहे हैं आपको, जो झटपट वो साफ कर देगी और आपको घसने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा। बहुत इजी तरीके से हमारी कढ़ाई साफ हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कढ़ाई अपनी साफ करना। तो फ्रेंड्स, आप हमारी कढ़ाई की हालत देख सकते हैं, इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने हारपिक लिया है, तो आज हम हारपिक को यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एसिड, जो हम बाथरूम को भी यूज करते हैं धोने के लिए, तो ये मैंने मंगाया था। तो ये साफ ही है, तो हम ये पहले अपनी कढ़ाई में यूज करेंगे। तो चलिए हम साफ करना स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, तो हमें इस तरीके से ही छोड़ना है। तो जिस दिन आपको कढ़ाई यूज नहीं करनी है उसी दिन आप ये चीज करना। वैसे तो हम साबुन से घसी देंगे इसे, टाइम के लिए हम छोड़ देते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, ये अपने आप ही सब छूट जाएगा। तो इस तरीके से आप घुमा लीजिए, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कढ़ाई हमारी स्टार्ट हो गई है साफ होना। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, न काथा यूज करना है ना कुछ, ये अपने इजी तरीके से ये छूट जाएगी सारी। बस आपको चारों तरफ ऐसे घुमा देना है। जिस दिन आप एक हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं कितना साफ हो गया हमारी कढ़ाई बिना घर से। तो हम इसी तरीके से बस घुमाते ही रहेंगे। आप देख सकते हैं साफ हो गई हमारी कढ़ाई। तो ऐसे तो हम ये खराब कटोरी में रखते रहे, ये भी आप बाद में यूज कर सकते हैं। सारे सिंक मैंने पलटी कर दिया है, तो इसे एक पानी से वॉश कर लेते हैं कढ़ाई को। फिर हम अपने साथ साथ इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। इसे हम वॉश करके देखते हैं अपनी कढ़ाई को। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम चमकदार कढ़ाई हमारी। तो ये आपको पता चल गया कि लोहे की कढ़ाई है। तो इसी तरीके से हम पीछे भी करेंगे, जो हमारी एसिड बची है, बची है उसी से हम ये भी साफ करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम डालना स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरीके से हमें डालने से साफ हो जाएगा हमारा। थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। तो जो काथा हम लिए थे उसी को यूज कर रहे हैं, ऐसे डाल के रगड़ देना है, ये फिर साफ हो जाएगा। तो अब हम इसे साबुन से थोड़ा रगड़ेंगे ताकि हमारा साफ हो जाए।
साफ हो गया, तो इसे हम वॉश कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं बाहर का भी एकदम क्लीन हो गया है और अंदर का भी एकदम क्लीन हो गया है। तो इसे हम अच्छे से पोंछ लेते हैं। तो तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेल लगा के रखते हैं लोहे कढ़ाई में कि वो जंग न खाए। अगर आप पोंछ के रखेंगे तो जंग खाने की कोई बात ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कढ़ाई हमारी एकदम चमक गई है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कितनी साफ हमारी कढ़ाई हो गई है। ये लोहे की कढ़ाई है, तो आप इसी तरीके से साफ करेंगे बिना मेहनत का, फटाफट साफ हो गया है। तो ये ट्रिक आप लोग भी एक बार ट्राई करना, आपकी लोहे की कढ़ाई है तो इसी तरीके से साफ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं पहले हमारी कढ़ाई कितनी काली थी, पहले हमारी कढ़ाई एकदम काली सी थी और अब आई। तो हम एसिड से धोएंगे लेकिन इसे साबुन से तो हमें रगड़ना ही होगा अच्छे से। तो हमने साबुन से अच्छे से इसे धो लिया है, पोंछ भी लिया है। तो चलिए आप लोग ट्राई करना एक बार, बहुत आसान ट्रिक है। तो फ्रेंड्स आप लोग ने देखा मैंने कितना किसी तरीके से इतना कढ़ाई को मैंने साफ किया है। आप देख सकते हैं एकदम साफ हो गया, लोहे की कढ़ाई है। और वैसे भी तो हम धोएंगे ही साबुन से, तो हम आज इसमें खाना नहीं बना रहे थे इसलिए हमने इसे यूज कर लिया है। तो यूज नहीं करना था इसीलिए हमने आज धो दिया इसे। तो आप लोग भी ट्राई करना, बहुत फटाफट साफ हो जाता है, बहुत आसान है। तो यहाँ शाम की चाय बन रही है, दूध को रखा गया है, गर्म हो रहा है, एक तरफ रोटी बन रही है एक तरफ चाय बन रहा है हमारा। तो कोमल बना रही है हमारी, कोमल हमारी रोटी और हर एक चीज़ खाना बना लेती है। तो चलिए फटाफट, तो चलिए फ्रेंड्स शाम हो चुकी है, शाम के 7 बज गए हैं। चल रहे अब खाना बनाने, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें।